को लगता है कि बच्चा कहीं विकलांग ना जन्म ले ले, कहीं बच्चा बेकार ना जन्म ले ले, उस नारी को तीन चीजें शिव महापुराण की धारण कर लेना चाहिए। पहला, गर्भ में जब तक बच्चा रहे तब तक दरवाजे पर आने वाली गाय को एक रोटी जरूर देना। गर्भवती नारी को गाय को दरवाजे से कभी नहीं भगाना चाहिए, तो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ पैदा होगा। बच्चा विकलांग नहीं हो सकता। दूसरा, जब तक नारी का गर्भ रहे, 9 महीने तक नारी का जब तक गर्भ रहे, तब तक जिस पलंग पर गर्भवती नारी सोती हो उस पलंग के नीचे झाड़ू ना रखे। नारी का बच्चा कभी विकलांग नहीं हो सकता। अच्छा, जिस पलंग पर नारी सोती हो, गर्भ अवस्था पहले महीने से लेकर 9 महीने के भीतर गर्भवती नारी अपने पलंग के नीचे झाड़ू बुआरी ना रखे। और तीसरा, राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, शिव नाम हो, देवी का नाम हो, गुरु का नाम हो, जो जिस परमात्मा से ये आत्मा का मिलन हुआ हो, जहां तुम्हारा मन लगता हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या राम राम, या कृष्ण कृष्ण, या शिव शिव, जिससे तुम्हारी लगन लगी हो, उस परमात्मा का नित्य प्रति कम से कम 2 या 4 बार तो स्मरण करो। और जिस समय पर 5वां या 6वां महीना हो, एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाने के लिए जाओ, चाहे ना जाओ, हाथ लगाकर भी किसी को दे दो कि ये चढ़ाता रहना, वो बच्चा कभी विकलांग नहीं हो सकता, पूर्ण तरह से स्वस्थ, उसकी स्वस्थ।